छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2017 में हुए देश के बहुचर्चित सीडी कांड की सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई हुई है और सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते। आखिरकार सीडी कांड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रविंद्र चौबे जी, आइए उनसे चर्चा करते हैं। चौबे जी, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मामले को? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की आतंक जैसी जो कार्यवाही है उसकी इंतहा हो गई है। आदरणीय भूपेश जी ने जन आंदोलन खड़ा किया, पहली बार हुआ देश की आजादी की भी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस भवन के अंदर घुस करके पुलिस ने ना तो कभी गिरफ्तारियां की ना लाठीचार्ज किया। जिस तरीके से बिलासपुर में कांग्रेस भवन में खूनी खेल खेला गया, हम उसका विरोध तो कर रहे हैं ना। लोकतंत्र में इस प्रकार से आंदोलन करने का हमें अधिकार है और हम विपक्ष में भी हैं, तो सरकार के खिलाफ हम इस तरीके से आंदोलन करेंगे। तो जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद कांग्रेस ने घोषित की कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो काले झंडे दिखाए जाएंगे, हमारी लड़ाई केवल एक लाठीचार्ज से नहीं है, हमारी लड़ाई बुनियादी सवालों पे है। छत्तीसगढ़ में 1,00,000 करोड़ का बजट लगातार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, किसान परेशान है, 1,300 किसानों की आत्महत्या एक साल में डॉक्टर रमन सिंह की स्वीकार रोकती है। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? हम विपक्ष में हैं, हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से गतिविधियां चलाते हैं, ये आखिर क्या है? रविवार को आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के माननीय भूपेश जी को समन जारी होता है, सोमवार को कोर्ट में अटेंड करने के लिए कहा जाता है। सीबीआई भी भारतीय जनता पार्टी का खिलौना हो गया, इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब जेल जाएंगे, जेल के अंदर सत्याग्रह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस की ताकत कमजोर नहीं है। कल से देखिएगा पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन का सूत्रपात होगा। भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को पता लग जाएगा, सीबीआई को भी पता लग जाएगा गलत तरीके से कार्रवाई भूपेश बघेल के ऊपर किया गया है। हम लोगों ने पहले भी कहा, प्रदर्शनी बैंक का जो घोटाला हुआ, वहां के उमेश सिन्हा मैनेजर का नार्को टेस्ट किया गया था, उस सीडी को लहराए तब आपने मुख्यमंत्री का नाम आया, क्यों कार्रवाई नहीं किया? अंतागढ़ के टेप कांड में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आया तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं किया? और इस सीडी को केवल किस तरीके से प्रकरण बनाया गया है आपने देखा? सीडी बनाने वाले सरकारी गवाह, सीडी बनवाने वाले सरकारी गवाह, और सीडी बनाने वाले और सीडी बनवाने वाले के पीछे जिसका हाथ, वो भी सरकारी गवाह। और केवल सीडी लहराने से आप इतना एफआईआर दर्ज कर देंगे, इतनी कार्रवाई कर देंगे? ये हमारा विरोध है और इस विरोध के चलते भूपेश जी की गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल जाना पड़ा है। और कांग्रेस अब हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन का सूत्रपात होगा, उसके बाद देखेंगे इस सरकार में कितना दम है। सर, हमारे साथ वरिष्ठ नेता थे रविंद्र चौबे जी, उनका साफ कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और कल से ये उग्र आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी होगा। जेके 24/7 न्यूज के लिए रायपुर से अरविंद मुखर्जी।